हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिन स्ट्रीट। आई होप यू आर डूइंग गुड, ट्रेडिंग बेटर एंड लर्निंग द बेस्ट। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो स्पेस के बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे, विच इज लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव्स, स्पेसिफिकली ऑन सोलाना। ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। पहले तो इसकी शुरुआत सिर्फ इथेरियम से हुई थी, बट आजकल ये सोलाना और बाकी ब्लॉकचेन्स के साथ भी इंटीग्रेट हो चुका है। एंड अगर स्पेसिफिकली नंबर्स की बात करें तो ये नंबर लाखों और करोड़ों में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पोर्टफोलियो साइज एंड योर इनकम। सबसे पहले तो डू यू नो व्हाट इज स्टेकिंग इन क्रिप्टो वर्ल्ड? क्रिप्टो को स्टेक करने का सीधा सा मतलब होता है हमारे क्रिप्टो एसेट्स को एक स्टेक पूल, एक सपोज एक बैंक अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए फ्रीज करके रखना, एंड जिसके मतलब में हमें कुछ रिटर्न्स मिलेंगे जो कि जनरली बैंक से काफी ज्यादा होते हैं। तो इन शॉर्ट आप इसको क्रिप्टो करेंसी की फिक्स डिपॉजिट भी मान सकते हो। अगर किसी स्टेकिंग पूल में किसी क्रिप्टो एसेट के 10,000 कॉइन्स पड़े हैं तो उसकी टोटल लॉक्ड वैल्यू 10,000 कॉइन्स की होगी, विच इज TVL, टोटल वैल्यू लॉक्ड। पिछले साल सोलाना का टोटल वैल्यू लॉक्ड बढ़ने में लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स का बहुत ही मेजर हिस्सा था। अभी तक तो बात चल रही थी स्टेकिंग की, बट अब समझते हैं कि लिक्विड स्टेकिंग क्या होता है। नॉर्मल स्टेकिंग में क्या होता है कि आप अपना क्रिप्टो एसेट एक वैलिडेटर के पास लॉक करते हो, जिसके रिटर्न में आपको वो कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देगा इन फॉर्म ऑफ एनुअल परसेंटेज यील्ड, APY। अब आपको इस स्टेक्ड क्रिप्टो के बदले में कुछ रिवॉर्ड्स तो मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ APY, बट फिर भी आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को यूज नहीं कर पा रहे, आपको अपना पैसा होल्ड पे रखना पड़ रहा है। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है लिक्विड स्टेकिंग। जब भी आप अपने कॉइन्स को किसी लिक्विड स्टेकिंग पूल में लॉक इन करते हो, तब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने कॉइन्स के बदले में कुछ लिक्विड स्टेकिंग टोकन्स ले सकते हो। अब ये लिक्विड स्टेकिंग टोकन्स आपके क्रिप्टो एसेट्स को ही रिप्रेजेंट करता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसको ट्रेड, बोरो या फिर लैंड भी कर सकते हो। तो इट इज लाइक कि दोनों साइड फायदा, आप अपने क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड करने की वजह से रिवॉर्ड कमा रहे हो, और साथ ही साथ जो आपने होल्ड करा है उसको आप खरीद बेच भी सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं सोलाना के कुछ लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स जिसको यूज करके आप सोलाना को लिक्विड स्टेक कर सकते हो। नंबर वन ऑन द लिस्ट इज मेरीनेट फाइनेंस। ये सोलाना का सबसे बड़ा लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है, जिसके अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा सोलाना स्टैक्ड। इसके अंदर जब आपने सोल कॉइंस को डिपॉजिट करते हो तो आपको इन रिटर्न एम सोल टोकन्स मिलते हैं। अब अगर आप अपने ये एम सोल टोकन्स को ट्रेड करना चाहे तो आप सोलेंड, सेवर और ऑर्का जैसे डीफाई प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें ट्रेड भी कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज एम सोल टोकन्स की वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बिकॉज आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी इसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड होते जाते हैं। अभी मेरीनेट फाइनेंस लगभग 7.8% के एवरेज पे APY दे रहा है, which is much higher than the fixed deposit of any bank account. Liquid staking protocol number 2 is Jito. Jito भी एक बहुत famous liquid staking protocol है, जिसके अंदर 9.5 million SOL tokens staked है. But the only difference is, इसमें आपको JSOL tokens मिलते हैं instead of MSOL tokens. और एक छोटा सा difference कि JSOL token की APY 8% है, which is almost similar और थोड़ा सा higher than the MSOL tokens. Moving on to the next liquid protocol, which is SoBlaze. SoBlaze भी एक बहुत ही cool platform है, जिसके अंदर around 2.7 million सोल टोकन स्टेक्ड है, और इसमें आपको स्टेक टोकन्स के बदले में इन रिटर्न 20 सोल टोकन्स मिलते हैं, एंड इसमें भी एनुअल परसेंटेज यील्ड 8% के अराउंड ही कुछ जाता है, टू बी प्रिसाइज 7.9। बट इसमें एक मेजर बेनिफिट ये है कि इसमें आप अपना वैलिडेटर भी खुद चूज कर सकते हो। तो अगर कुछ वैलिडेटर्स जीरो फी लेते हैं या फिर बहुत कम फीस लेते हैं, तो फिर आप अपने काफी पैसे बचा सकते हो इन फीस। नंबर 4 ऑन द लिस्ट इज Margin5. Margin5 वैसे तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, बट साथ ही साथ लिक्विड स्टेकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। मार्जिन फाइव भी अपना APY तो कुछ ना कुछ देता ही है, बट उसका APY देने का अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट। मार्जिन फाइव उन्हीं वैलिडेटर्स को ऑटोमेटिकली स्टेक करता है जो कि मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वैल्यू प्रोवाइड करता हो, जो कि आपके स्टेक्ड क्रिप्टो पे मैक्सिमम रिटर्न्स देता हो। तो इसी वजह से मार्जिन फाइव आपको बाकी लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न्स दिए। ये तो हो गए लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल्स के फायदे की बात, बट अगर नुकसान की बात करें तो एज सच कोई उसके नुकसान नहीं है, until and unless अगर आप गलत लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल चूज करते हैं। तो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च एंड जस्ट रीड द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिफोर जंपिंग इनटू एनी लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल पूल। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको कुछ सीखने भी मिला होगा, एंड इफ सो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।